रिश्ता लिखेंगे हम नया। ये लीजिए दिया भाई साहब का कंसेंट फॉर्म। इसमें लिखा है कि अगर ऑपरेशन के दौरान दिया भाई साहब को कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। साइन कीजिए। अगर दिया भाई साहब सच में आपकी दुश्मन होती ना, अगर वो सच में आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहती है, आपकी जान लेना चाहती, तो आज उस कमरे में उनकी जगह आप होते। पर ये कंसेंट फॉर्म जो साइन किया है ना, वो उनका नहीं होता। हम में से कोई आपका साइन कर रहा होता दाता हुकुम। अब तो समझ जाइए, उस आदमी को हमने खुद कहते हुए सुना था वो दिया भाई साहब का एक्सीडेंट कराना चाहता है। सबूत सबूत और कितने सबूत चाहिए आपको? आज आपके वजह से दिया भाई साहब हुकुम जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। अब क्या, भगवान ना करे, लेकिन अगर उनकी जान चली गई तब आपको मिलेगा सबूत। एक बात सुन लीजिए, अगर दिया भाई साहब को कुछ हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके सर पे होगी दादा को। समझ गया? ये प्रिया को रानी सा इतनी रात को कहां जा रही से? दिया बाईसा का एक्सीडेंट हो चुका है, हॉस्पिटल में है। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, किसी भी वक्त सांसें रुक सकती हैं। उससे पहले हमें किसी तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर पर उनका थंब इंप्रेशन लेना होगा। शी इज थिंकिंग, इनका हार्ट रेट ड्रॉप हो रहा है, इन्हें शॉक देना पड़ेगा। डिफेब्रिलेटर प्लीज। जेंटलमैन, क्या हुआ? प्लीज बाहर जाइए। लेकिन हुआ क्या बाहर क्यों बैठे? अंदर नर्स दिया को इंजेक्शन लगा रही है। छोड़िए। छोड़िए।
वो खत्म करके ही अपना काम पूरा करेंगे आज, छोड़ेंगे नहीं आपको। इसके पहले कि आप कुछ भी गलत सोचे, हमारी बात सुन लीजिए। हमने जो कुछ भी किया आपके लिए किया। बेटा, दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमने जो कुछ भी किया आपके लिए किया, हमारा यकीन कीजिए। दूसरा कौन था मासा? दूसरा कौन था इसमें शामिल? दोनों कौन मासा? हम पूछ रहे कौन? आपके पापा था। मानते थे और रघु जी सगे बेटे से बढ़कर उनका साथ दिया, दिन रात मेहनत की, कंपनी को कहां से कहां लेकर आए। और मानता था आपको, उन्होंने क्या दिया बदले में? आपके तो पैदा होते ही हमें भूल ही गए, रातों रात पराए हो गए हम। रघु जी तो जैसे जैसे कुछ रहे ही नहीं उनके लिए। बिना कुछ सोचे समझे पूरी की पूरी जायदाद आपके नाम करती। हम पूछते हैं किस लिहाज से आप इस लायक है कि इतनी बड़ी विरासत को संभाल सके? हमारे रघु जी आपसे कहीं ज्यादा काबिल है, लेकिन क्या क्या मिला बदले में? हमसे हमारा सब कुछ छिन गया सिर्फ आपकी वजह से। इतने साल अपने रघु जी से अलग रहे सिर्फ इसलिए कि हमसे तो हमारा हक छिन गया। दाता हुकुम ने रघु जी को तो कुछ दिया नहीं, लेकिन ये हमारा बेटा, कम से कम इसे तो वो सब कुछ मिले जो हमें नहीं मिला। बस बस कीजिए प्लीज। बेटा, बेटा बुलाती है आप हमें अपना? हा? बेटा बुलाती है ना? और हमसे ये बात छुपा के रखी आपने? आप चल सकती है। यशवन्ना, हमने सब कुछ आपके लिए किया, बोल तो रहे हैं। किस हक की बात कर रही हैं आप? किस हक की बात कर रही है? क्या आपको लगता है इनकी दौलत पाके, इनका नाम पाके हम चैन से जी पाते? हमें ये सब कभी नहीं चाहिए था। एक बार सोचा नहीं कि आप दोनों किसकी जान ले रहे। और फिर दादा हुकुम, दिया भाई साहब, आप लोग ये तो नहीं सोच रहे ना कि हम इन लोग के साथ मिले हुए? हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे ना कि हमने जानबूझ के आज तक हमलावर को छुपा के रखा, क्योंकि हम जानते थे कि इन दोनों ने खून। आप लोग हम पे शक तो नहीं कर रहे ना? पर शक क्यों नहीं करेंगे? अब मैं भी तो इनका ही खून दौड़ता है, तो इनके ही बेटे, तो फिर प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं यशवन्ना, आप हाथ मत जोड़िए, आपने कुछ नहीं किया, आपका दिल था। डोंट टच मी प्रिया रघुवेंद्र सिंह, मुझे हाथ मत लगाना। हम आपकी मासा हैं। आप हमारी मासा नहीं है, आप एक मर्डर हैं, खूनी हैं आप। खूनी के साथ हमारा सिर्फ एक ही रिश्ता है, पुलिस ऑफिसर का।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.